राम राम मंडळी, मी विष्णू सानप। लोकसभेच्या निवडणुकीत मी येतोय मतदारांच्या मनातलं जाणून घेण्यासाठी। पंतप्रधान कोण होणार, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंत कुणाचा आहे वार? मतदारांना कोणत्या प्रश्नाला जावं लागतंय सामोर? मतदारांचे कोणते सुटले प्रश्न आणि कोण आहे त्यांच्या डोक्यात उमेदवार? मागच्या वेळी निवडून दिलेले नेते त्याच पक्षात आहेत ना? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी मी येतोय तुमच्या मतदारसंघात। लेट्स अप ग्राउंड रिपोर्ट मध्ये मी महाराष्ट्र बोलतोय, महाराष्ट्राची राजकीय स्पंदन ऐटीपणारा खास शो, पाहायला विसरू नका लेट्स अप मराठी। आपके मतदार संघ का खासदार कौन होगा? नहीं, उज्ज्वल निगम जी होंगे ना। महायुति की अभी चल रही है फिलहाल तो हवा। तय कौन खासदार होना चाहिए? पल्ला इसका भारी है, वर्षा गायकवाड़ का। ते जे आहे वर्षा गायकवाड़, आम्ही तगड़ा उमेदवार मानत नाही या बाजूला। के खासदार तो हमारे उज्ज्वल निगम भी है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। त्यांचा विजय तो झालेलाच आहे। कोणाचा? ॲडवोकेट उज्ज्वल निगम जी। ते हो अभी रिक्शा चलावते हो तो क्या लोगों का मूड क्या दिख रहा है? वर्षा गायकवाड़ी जो हमारे ॲडवोकेट है उनको देखना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे जी फ्यूचर विजय भाई कौन होगा एमपी यहाँ से? भाजपा। क्यों? वो उछल है, बहुत काम कर रहा है। खासदार किसको चुन के लाना चाहते हो आप? हम कांग्रेस को ही देंगे और कांग्रेस को ही लाएंगे हम। कौन खासदार पहला आवड़े तुम्हारा? उज्ज्वल निकम। उज्ज्वल निकम, मुझे ऐसा लगता है कि उज्ज्वल निगम एक अच्छा काम करेंगे और काफी विकास के राह पे चलेंगे, अच्छा काम करेंगे। मी आहे मुंबईतील उत्तर मध्य लोकसभा मतदार संघामध्ये। या मतदार संघामध्ये यावेळेस भाजपने या ठिकाणच्या पूनम महाजन खासदार होत्या त्यांचा तिकीट कापलेला आहे आणि या जागी प्रसिद्ध वकील असलेले उज्ज्वल निकम यांना त्यांनी संधी दिली आहे। तर दुसऱ्या बाजूला इंडिया आघाडीकडून काँग्रेसच्या नेत्या वर्षा गायकवाड यांना संधी देण्यात आलेली आहे। यामुळे या मतदारसंघामध्ये चुरशीची फाईट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। काय आहे या मतदारसंघातील समस्या आणि नागरिकांचा कौल कुणाला आहे, कुणाला खासदार म्हणून ते पसंती देतात, हेच आपण जाणून घेणार आहोत। चला तर मग क्या लगता है आपको, एक तरफ से जो मंत्री रह चुकी वर्षा गायकवाड यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ वकील है, प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम है, क्या लगता है आपके मतदार संघ का खासदार कौन होगा? नहीं, उज्ज्वल निगम जी होंगे ना। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम, मतलब अच्छा उनका नाम है, देशभक्त हैं, फिर हमारे साहब आशीष सराज जी का हाथ उनके साथ में है, फिर मोदी जी तो है ही, वो संभाल पाएंगे मतदार संघ को? हाँ, आराम से, आराम से। कौन से उनके काम है उससे आप इम्प्रेस हुए? भक्त वकील है वो, इससे हमको वो लगता है कि चलो फिर मोदी जी का गारंटी है, फिर आशीष सराज साहब जी है जो कि यहाँ के कार्य सम्राट है। क्या वो देशभक्त है वकील बोल रहे हैं अपन, क्या किया उन्होंने? अरे 93 का बम ब्लास्ट पूरा केस लड़ा उन्होंने, संजय जैसे आदमी को जेल करा दिया, तो सब काम उनका काम ही है ना। वो राजनीति में सक्सेस होंगे ऐसा लगता है? हो जाएंगे पक्का होंगे और यहाँ कुछ काम करके जाएंगे। और केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, मोदी के सिवा कोई नहीं है, पप्पू तो बिल्कुल नहीं आने वाले। उत्तर मध्य मुंबई मध्ये तुम्हाला काय वाटतं, कोणाची हवा आहे? या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार उज्ज्वल निकम आहेत तर काँग्रेस को वर्षा गायकवाड आहेत। हॅलो, हिंदी मध्ये देतो। महायुती की अभी चल रही है फिलहाल तो हवा, क्योंकि उज्ज्वल निकम साहब ने जितने काम किए, 93 की बम ब्लास्ट हो या और कोई भी केसेस हो, चाहे महाराष्ट्र के हो कहीं के भी, उन्होंने बहुत काम किया है, तो पब्लिक तो अभी फिलहाल उनको ही चाहती है और महायुति की हवा चल रही है। उनके जीतने की कितनी गारंटी लगती है आपको? 100% हमारे हिसाब से, 100%। हाँ, आपका क्या कहना है? वही कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस भाई, कांग्रेस क्यों चाहते हो? मोदी जी बोलते बहुत विकास किया हमने, तो आप कांग्रेस बोल रहे कांग्रेस लाना चाहिए, क्यों? लेकिन हम लोग गरीब लोग के लिए कुछ नहीं किया, सब अमीर लोगों के लिए किया है। क्या करते हो भाई आप? मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ। क्या पढ़ाई हुई आपकी? 10वीं। वही कांग्रेस ही आएगा, वर्षा गायकवाड़, हमारा वोट तो वर्षा गायकवाड़ को ही है। आपको क्या लगता है? मला असं वाटतं की यावेळी उज्ज्वल निकम हे 2 ते 2.5 लाखाच्या मताच्या फरकाने निवडून येतील, कारण दुसरा जो उम्मीदवार आहे तो इतर ठिकाणचा आहे, त्यामुळे काही फरक पडत नाही काँग्रेस असलं किंवा नसलं तरी। उज्ज्वल निकम यांच्या कुठल्या कामावर तुम्ही इम्प्रेस आहात? उज्ज्वल निकम यांनी बरेच असे सामाजिक म्हणा किंवा इतर जे जेव्हा ते वकील होते, बरेच त्यांनी केसेस व्यवस्थितपणे हँडल केलेत आणि न्याय देण्याचा प्रयत्न केला ज्यांना हवं आहे तसं, त्यामुळे उज्ज्वल निकम हे परफेक्ट उमेदवार आहे आणि पक्षाने दिलेला हा जो उमेदवार आहे तो नक्की चांगल्या फरकाने निवडून येईल।
या ठिकाणी उज्ज्वल निगम उभे आहेत, वर्षा गायकवाड या तगड्या उमेदवार आहेत काँग्रेसकडून, काय होईल या मतदारसंघामध्ये? इथे जे आहे वर्षा गायकवाड आम्ही तगडा उमेदवार मानतच नाही या बाजूला, कारण की ती आता बाहेरून आलेली आहे. दुसऱ्या उज्ज्वल निगम हा आम्हालाही परिचित नाव आहे. आतंकवाद्यांच्या विरुद्ध ते बोलणारे एक ठास आहे. मोदीजींना यांचा फारच उपयोग होणार आहे आणि आम्हालाही याचा उपयोग होणार आहे म्हणून एक कायदेविषयामध्ये माहिती असणारा माणूस आहे, तर आमच्या याचा खूपच फायदा होणार आणि हे नक्की जिंतून जिंकून येणार आहे. मोदी काँग्रेसकडून असं म्हटलं जातं की वर्षा गायकवाड ह्या मोठ्या फरकाने विजयी होतील या ठिकाणी, तुम्हाला असं वाटतं का, पटतं का त्यांचं? नाही नाही, बिलकुल नाही पटत आहे. इथे दोनदा आमचाच उमेदवार जिंकून आला आहे, पुढेही आमचाच जिंकणार आहे, म्हणून ह्याच्यात काही शंका नाही की भाजपचं नाही जिंकणार. वाढ आहे और दुसरी तरफ भाजप के उमेदवार उज्ज्वल निगम है, आपको क्या लगता है कौन खासदार होना चाहिए? पल्ला इसका भारी है, वर्षा गायकवाड का. वर्षा गायकवाड का क्या अच्छा लगता है आपको? वर्षा गायकवाड चुन के आती है तो कैसी काम करने की उनकी? एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है और वो काम भी करेगी भाई. वो और उज्ज्वल निगम तो अभी तक कोई पार्टी पे है नहीं भाई. नहीं मतलब कोई है ही नहीं ना उसका, कोई ना कारपोरेटर है ना एमपी है ना आपके मतदार संघ से प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निगम खड़े हैं और दूसरी तरफ उससे भी तगड़ी उम्मीदवार वर्षा गायकवाड है. क्या लगता है कौन खासदार होगा? देखिए खासदार तो हमारे उज्ज्वल निगम भी है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है लोगों के लिए, और क्या चाहिए हम लोगों को. आज इंडिया का नाम हर जगह पे फेमस हो चुका है और कुछ नहीं. काका काय वाटतं तुम्हाला तुमच्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये उज्ज्वल निगम उभे आहेत वकील आणि वर्षा गायकवाड उभे आहेत काँग्रेसकडून, काय होईल, कोण खासदार म्हणून पाहायला आवडेल तुम्हाला? उज्ज्वल निगमच्या अशा कुठल्या गोष्टी तुम्हाला आवडल्या? ही इज द बेस्ट ऍडव्होकेट आणि इज द बेस्ट पर्सन. दॅट्स वाय आपको लगता है कि वो खासदार होने चाहिए? सर मैं तो बोलूंगा कि सबको वोट मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए, शिवसेना को मिलना चाहिए. आज के तारीख में उनके पास कोई लीडर होना चाहिए कि अगर 26 जने की सरकार मिलेगी तो इनका झगड़ा तो सिर्फ लीडरशिप पे ही चला जाएगा, तो देश का क्या होगा? आज के तारीख में जो हम लोग भाषण सुन रहे हैं वो भाषण के हिसाब से तो कहीं लग नहीं रहा कि किसी को देश की पड़ी है. किसके भाषण? 26 पार्टियों की जो भाषण सुन रहे हैं उसमें नहीं लगता है कि किसी को देश की चिंता है. हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि चेंज हो, पर चेंज के लिए सामने कोई लीडर होना चाहिए, वो लीडर नजर नहीं आ रहा है. आपको क्या लगता है इधर आपका लीडर उज्ज्वल निगम होंगे? सर देखो जो अल्टीमेटली जो वोट है वो उज्ज्वल निगम के नाम से तो जाने वाला नहीं है. अल्टीमेटली जो भी वो वोट मांग रहा है वो तो वोट, जब भी इसके पहले की 2019 में भी इलेक्शन हुई थी उदय साहब ने भी जो वोट मांगा था तो वो मोदी साहब के लिए मांगा था, खुद के शिवसेना के लिए तो मांगा नहीं था. तो यही होने वाला है, ऐसा मेरा पहचान है. लगता है आपको ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन खासदार एमपी चुन के आएगा? वर्षा गायकवाड. क्या उनकी क्या बातें आपको अच्छी लगी, काम कौन सा अच्छा लगा आपको? वो कई जमा भी हमारे वार्ड में तो समझो वो पहली बार आएंगे, लेकिन उधर से हमको ये पता चला है कि उनका बहुत नाम है और वो मतलब पॉलिटिक्स में है और रह चुकी है और कई सालों से है. उज्ज्वल निगम जो भाजप के प्रत्याशी है उनका नाम पता है आपको? उनको तो देखे भी नहीं हमने. देखे भी नहीं? तो नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं पता उनके बारे में. आप घूमते हो अभी, रिक्शा चलाते हो, तो क्या लोगों का मूड क्या दिख रहा है? वर्षा गायकवाड़ी कांग्रेस, हाँ आगाड़ी कांग्रेस 100% उज्ज्वल निगम उभे आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला अनुभवी वर्षा गायकवाड उभे आहेत, तुम्हाला काय वाटलं? नक्कीच त्यांचा विजय तर झालेलाच आहे. कुणाचा? ऍडव्होकेट उज्ज्वल निगम जी, त्यांनी आपल्या देशाची नव्हे तर पूर्ण जगात आपल्या भारताला एक न्याय आणि व्यवस्था मिळवण्यासाठी दिलेला आहे. अनेक गुन्हेगारांना त्यांनी शिक्षेचं पात्र ठरवलेलं आहे असा उमेदवार आम्हाला मिळाला आहे. त्याच्या पश्चात जे काँग्रेसचा जो उमेदवार आहे त्यांनी धारावीचं काय केलं ते बघितलंय, त्यामुळे आमच्या जिल्ह्याला असा उमेदवार हा अजिबात जिंकून येऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांचं आणि त्यांचं कॉम्पिटिशन काम करू शकतील. निश्चित खासदार म्हणून देशात चांगल्या विकासासाठी त्यांचं मोठं योगदान असेल, येणाऱ्या काळात ते आपल्याला दिसून येईल. तुमच्या मतदारसंघासाठी काय कॉन्ट्रीब्युशन? नक्कीच न्याय व्यवस्थेसाठी.
त्यांचं मोठं योगदान शत प्रतिशत असणार. किसको खासदार देखना चाहते आप, वर्षा गायकवाड या उज्ज्वल निगम? अभी मैं उज्ज्वल निगम साहब को, जो हमारे एडवोकेट हैं, उनको देखना चाहता हूँ. इसलिए कि 2014 से लेकर अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हुई है, लेके उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, कहीं भी हर इंसान का एक विकास हुआ है और हर इंसान को एक अपने जागृति हुई है, देश के लिए जागृति हुई कि हर गरीब को घर में शौचालय, मकान पक्के, जिनकी जो ने क्लियर की. इसलिए आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन चुन के आएगा? अभी यहाँ से उज्ज्वल निगम जी ही चुन के आएंगे खासदार. और सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी आएगी? मोदी जी की आएंगी. शिवसेना? शिवसेनेच्या कुठली शिवसेना? पण अरे आपला भाजपा. भाजपा जी कुठली? पण शिवसेना मोदी जी. एकनाथ शिंदेची शिवसेना? यांचा विजय होईल नक्की. अच्छा, हम लोग का विकास होवे, हम लोग का इधर काम होवे, हम लोग को इधर पे बैठ के हम लोग को जगह चाहिए, क्योंकि हम 2014 से हम इधर बैठे ले है. हमको इधर बैठने नहीं देते, काम करने नहीं देते. ये बाजू वाले लोग, इधर पूरा बिल्डिंग वाले लोग, हम लोग की सोसाइटी का पूरा यहाँ पर हम लोग को कंप्लेन डालते हैं. क्यों पहला क्यों नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है ये सब चीज? इसकी वजह से हो रहा है. गरीब लोग का क्यों नहीं सुन रहे? सिर्फ बड़े लोग का सुन रहे ले, बिल्डिंग वाले लोग का सुन रहे? क्यों गरीब लोग का, ये जो रस्ते के ऊपर बैठे ले काम कर रहे, उनको क्यों नहीं करने दे रहे धंधा पानी? किसको खासदार, एज ए खासदार किसको चुन के लाना चाहते हो आप? हम कांग्रेस को ही देंगे और कांग्रेस को ही लाएंगे हम. हमारा वही है, हम कांग्रेस को ही चाहिए. हम कांग्रेस के बगैर हमको कोई चाहिए नहीं इधर. हम दूसरे कोई रहेगा, हम किसी को करने नहीं देंगे इधर. चाचा, आपको क्या लगता है, परिवर्तन होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर से भाजपा का उम्मीदवार चुन के आएगा? किसके ओवरऑल बोल रहे? यहाँ का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे तो मुश्किल है ना, कहना मुश्किल है ना बहुत. मगर क्या लगता है, क्योंकि माहौल चल रहा है अभी इधर, उज्ज्वल निगम है और वर्षा गायकवाड़ है, माहौल किसका चल रहा है? हम लोगों ने तो इधर सच में तो किसको देखा नहीं है. एरिया में कोई आया नहीं तो अपने को हम लोग बोल नहीं सके. और ऑल सब जो है खाली पेपर की न्यूज है, बाकी तो कोई ये बजो आया नहीं है. आपको, आप तो क्या नाश्ता बेच रहे हो, मगर क्या लगता है, उज्ज्वल निगम खड़े है भाजपा की तरफ से और दूसरी तरफ वर्षा गायकवाड़ है जो एक्सपीरियंस वाली है? वर्षा मैम. वर्षा मैम कहाँ पर हो? वर्षा मैम क्यों? वर्षा मैम क्यों? उसका जो है बैकग्राउंड अच्छा है. एक ना एक कार्ड की डॉटर है. उनका जो है एजुकेशन मिनिस्टर थी. शी वाज द एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड शी हैज डन अ गुड जॉब. क्या बात, एक भाजपा उम्मीदवार है और दूसरा कांग्रेस का उम्मीदवार है, कौन होगा एमपी यहाँ से? भाजपा होगा. भाजपा का क्यों? वो उसका जो है बहुत काम कर रहा है. हाँ, और सब तो उसी का है. मगर इंडिया वाले बोलते हैं कि मोदी जी की सरकार गिरने वाली है. कोई गिरेगा नहीं, दाल मोदी रहेगा तो कोई भी नहीं गिरेगा, कोई बीच में करेगा. यहाँ के कैंडिडेट पता है आपको कौन खड़े है? नहीं मालूम कर. मगर फिर भी जो भी खड़ा है जीतेगा भाजपा का. हाँ, वकील होते आता राजकारणाची इनिंग सुरू करता है, ते संभाळू शकतील हे सगळं? सर जी ऐसा है, उज्ज्वल निगम एक सुलझे हुए इंसान है. उन्होंने बगैर कैंडिडेट रहते हुए, बगैर कोई पद पर रहते हुए, एक वकील की हैसियत से बड़े बड़े गुनाहगारों के अंदर पहुंचाया है, फांसी के सजा पर दिलाया है. मुझे ऐसा लगता है कि उज्ज्वल निगम एक अच्छा काम करेंगे और काफ़ी विकास के राहों पर चलेंगे, अच्छा काम करेंगे. वर्षा का एक वड़ा है एका बाजूला, ज्या माजी मंत्री राहिलेले आहेत, त्यांना दांडगा अनुभव आहे आणि त्यांच्यापुढे वकिली केलेले नौखे उमेदवार आहेत उज्ज्वल निगम. टिकाऊ लागेल का त्यांचा? ऐसा नाही सर जी, वर्षा गायकवाड मंत्री रह के भी आज तक धरावी का कोई भी झोपड़पट्टी का विकास का कार्य नहीं कर पाए, तो अभी बांद्रा में क्या विकास करेंगी? जहाँ से उन्होंने जीती, दो दो तीन तीन बार मंत्री रहे, वहाँ नहीं की, तो बांद्रा में क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी. कांग्रेस का खाली पोपट चलता ही है बस, और कुछ चलता नहीं है. बाकी 100% वो जो जिनको आना है मोदी जी का नेतृत्व में काम करेंगे और हमारा देश विकास कर रहा है, सबको मालूम है. उज्ज्वल निगम जी राजनीति में टिक पाएंगे क्या, कर पाएंगे काम? देखिए जरूर टिक पाएंगे. मैं पहले ही बोला कि एक सुलझे हुए इंसान है और उनको सब मालूम है कैसा काम करना है, कैसा कार्य पे आगे बढ़ाना है. लगता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माहौल तो कोई मतलब नहीं है, 100% आना है, इसमें कोई शक नहीं है. मगर लोग तो बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ इस बार तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा. उद्धव ठाकरे साहब
पहले था, लेकिन जब से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तब पब्लिक को मालूम पड़ गया, एक उदय साहब अभी कुछ नहीं रह गए, उदय साहब अभी जीरो हो गए हैं।